नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। आज की जो कहानी है बड़ी प्यारी कहानी है, ये कहानी हर इंसान को सुननी चाहिए। इस कहानी से आपको ढेरों सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। आज की कहानी है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। प्रिय दर्शकों, ऊपर वाले ने, उस परवरदिकार ने जिस व्यक्ति को दिया है खूब दिया है, और जिसको कुछ नहीं दिया उसको कुछ ही नहीं दिया। जिस व्यक्ति को मालिक ने दिया है उसको ये पता नहीं है कि उसके पास में कितना धन है, कितनी दौलत है, कितना पैसा है, उसे खुद को ये पता नहीं होता। और जिसको नहीं दिया है उसको कुछ नहीं दिया। उस व्यक्ति को एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, एक वक्त का भोजन तक नसीब नहीं होता। एक वक्त के भोजन के लिए भी वो दर दर की ठोकरें खाते फिरता है। प्रिय दर्शकों, उस परवरदिकार की लीला बड़ी निराली है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और बेल आइकन ऑन करें। प्रिय दर्शकों, आपके एक लाइक से और आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है, इसलिए आप लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। जो व्यक्ति मन से और दिल से इस कहानी को सुनता है उसके सभी विकार दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे उसका भाग्य उदय होने लगता है। शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चकवा और चकवी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन चकवी चकवा से कहती है कि पियाजी, हमें यहां से दूर चलना चाहिए, क्योंकि वहां पे भोजन की व्यवस्था बहुत कम थी। चकवा चकवी से कहता है कि प्रिय, मालिक ने जो नसीब में लिखा है वो यहां भी मिलेगा, और कहीं दूर जाएंगे वहां भी मिलेगा। मिलेगा वही जो मालिक ने हमारे नसीब में लिख रखा है। चकवी फिर कहती है कि प्रिय, कर्म प्रदान है, कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। चकवा कहता है, तो कर्म तो हम यहां भी कर सकते हैं, कर्म तो हम यहां भी कर रहे हैं। देना उस परवरदिकार के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मिलेगा हमें वही जो हमारे नसीब में हमें लिखा है, हमें मिलेगा वही जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, चकवा चकवी इस तरह की बातें करते हैं। उधर देवादिदेव महादेव और मां पार्वती दोनों मृतलोक में भ्रमण के लिए आते हैं। दोनों घूमते घूमते आते हैं तो मां पार्वती की नजर एक गरीब ब्राह्मण पे पड़ जाती है। गरीब ब्राह्मण को देख करके मां पार्वती भोलेनाथ से कहती है, भोलेनाथ, ये परिवार इतना गरीब क्यों है? उस परिवार में एक बूढ़ी मां थी और बूढ़े पिता थे और एक उनका लड़का था। प्रिय दर्शकों, बहुत निर्धन थे, बहुत ही गरीब थे। सुबह खाना मिल जाए तो शाम का कोई पता नहीं था, इस तरीके से वो गरीब थे। पार्वती मां देख करके भोलेनाथ से कहती है कि भोलेनाथ, तुमने इस सृष्टि में क्या कर रखा है? किसी किसी को इतना धनी बना दिया है और किसी किसी को इतना गरीब। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, ये सब इनके कर्मों का फल है, ये सब इनको इनको कर्मों के हिसाब से ही दिया जाता है। पार्वती जिद करती है और कहती है, नहीं भोलेनाथ, मुझे इन लोगों पर दया आ रही है और इनको कुछ ऐसा वरदान दीजिए ताकि ये धनी हो जाए और इनका जीवन अच्छे से गुजरने लगे। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि पार्वती, आप जिद ना करो, इनके नसीब में धन अर्जित नहीं है, इनके नसीब में धन नहीं है, इनको वरदान देने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मां जगदम्बा पार्वती जिद करती है और कहती है कि आप वरदान तो देके देखिए, मैं भी देखती हूं कि इनके नसीब में कैसे नहीं है, यदि आप वरदान देंगे तो नसीब में कैसे नहीं होगा। पार्वती जिद करती है तो देवादिदेव महादेव ब्राह्मण का वेश धारण करके और उस गरीब पंडित के घर जाते हैं।
घर जाकर के उन सभी घर वालों को बुला लेते हैं। तीनों प्राणी आ जाते हैं और देवादि देव महादेव और मां जगदम्बा पार्वती ब्राह्मण के भेष में उन लोगों से कहते हैं कि तुम कोई अच्छा सा वर मांग लीजिए जिससे तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी और तुम धनी हो सकते हो। तुम तीनों को हम तीन वरदान देंगे। प्रिय दर्शकों, इतनी बात सुनकर के और तीनों प्राणी थोड़े खुश हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव तीनों से कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ तीन ही वरदान देंगे, तीनों को एक एक वरदान देंगे, तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम मांग सकते हो। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले उस गरीब पंडित की और वो वर मांगने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं 16 साल की नौजवान और सुंदर कुंवारी कन्या बन जाऊं। मां पार्वती उस औरत की इस बात को सुनकर हंसने लगती है और कहती है, देखिए इसने, इस मूर्ख औरत ने क्या वर मांगा है। देवादि देव महादेव कहते हैं, ततास्तु। वो बूढ़ी औरत, उस पंडित की वो बूढ़ी औरत नौजवान की सुंदर कन्या बन जाती है। उधर से एक राजा हाथी पे सवार होकर आ रहा था। जैसे ही वो राजा वहां से गुजरा, उसकी नजर नौजवान सुंदर 16 साल की कुंवारी कन्या पे पड़ती है। राजा उस लड़की को अपने साथ लेके जाता है। उस पंडित की, उस गरीब पंडित की घरवाली को वो राजा लेके चले जाता है। दूसरा नंबर अब गरीब पंडित का आता है। देवादिदेव महादेव उस गरीब पंडित से कहते हैं कि तुम्हें क्या वर मांगना है, जो मांगना हो सो मांग लीजिए। गरीब पंडित मन में सोचने लगता है कि मेरी जो घरवाली थी 16 साल की नौजवान कुंवारी कन्या बनके और राजा के साथ चली गई है, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही वर मांगना चाहिए कि उसको कोई भी सुख प्राप्त ना हो। प्रिय दर्शकों, गरीब पंडित देवादिदेव महादेव से वर मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए जो मेरी घरवाली 16 साल की नौजवान कुंवारी कन्या बनके और राजा के साथ चली गई है वो इसी वक्त सुवड़ी बन जाए। प्रिय दर्शकों, देवादिदेव महादेव कहते हैं, ततास्तु, ऐसा ही होगा। राजा उसको हाथी पे बिठा के लेके जा रहा था, वो उसी वक्त सुवड़ी बन जाती है और पीछे को खुड़खुड़ करने लगती है। राजा देखता है पीछे मुड़के तो देखा कि सुवड़ी बैठी हुई है। राजा हाथी पे से धक्का देके नीचे गिरा देता है। राजा सोचने लगता है ये कोई मायावी छलिया है, तो राजा नीचे गिरा देता है। अब वो जंगल में खुड़खुड़ करती भटकती फिरती है। अंत में उस गरीब ब्राह्मण के लड़के का नंबर आता है। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि भाई तुम्हें जो मांगना है वो तुम भी मांग लीजिए, सिर्फ एक वर बचा है, एक वर में आप जो मांगना चाहते हैं वो मांग लीजिए। उस गरीब पंडित का लड़का सोचने लगता है कि हम पहले ठीक थे, हम गरीब थे मगर परिवार एक था। वो लड़का देवादिदेव महादेव से हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही धन चाहिए ना ही माया, हमारा परिवार जैसे पहले था वैसे एक कर दीजिए, मेरी मां को वापस लौटा दीजिए। प्रिय दर्शकों, देवादिदेव महादेव वरदान देते हैं कि तथास्तु, उनका परिवार वापस एक हो जाता है, जिस स्थिति में पहले था वैसा ही हो जाता है। देवादिदेव महादेव पार्वती से कहते हैं कि पार्वती मैंने कहा था ना कि इनकी नसीब में कुछ नहीं है, ये गरीब के गरीब ही रहेंगे। मां पार्वती बड़े आश्चर्यचकित हो जाती है कि देवादिदेव कि महादेव आप सही कहते हैं, जिनके नसीब में जो लिखा हुआ है उन्हें वही मिलता है। वहां से आगे चले जाते हैं महादेव और पार्वती, वहां से रवाना हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही आगे जाते हैं तो एक बूढ़ी मां अंधी मां, एक बूढ़ी और अंधी मां बैठी बैठी भगवान का भजन कर रही थी। उनके एक पुत्र था,
उसकी उन्होंने शादी कर रखी थी। महादेव उनको देख करके पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, ये भी बहुत गरीब है लेकिन इनका भाग्य उदय होने वाला है और ये धनी व्यक्ति बनने वाले हैं। और देखिएगा देखिएगा कि ये बूढ़ी जो मां है एक ही वरदान में वो सब कुछ पालेगी जो ये कामना करती है, जिसकी ये कामना करती है। मां पार्वती और देवादिदेव महादेव उस बुढ़िया के द्वार पे जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि तुम्हें जो मांगना है सो मांग लीजिए, हम तुम्हें वर देने आए हैं। वो बूढ़ी मां अंधी मां देवादिदेव महादेव से कहती है, प्रभु यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो मुझे सिर्फ एक वर दे दीजिए। महादेव कहता है कि मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं। वो बूढ़ी मां एक वर में ही ऐसा कुछ मांगती है कि वो सब कुछ प्राप्त कर लेती है। वो कहती है कि महादेव, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूं। इतना वर वो बुढ़िया देवादिदेव महादेव से मांगती है। महादेव कहते हैं ततास्तु। प्रिय दर्शकों, वो बूढ़ी मां ने एक ही वरदान में वो सब कुछ मांग लिया जिसकी वो जीवन भर कामना कर रही थी। सबसे पहले तो उन्होंने मांगा कि मैं अपनी आंखों से, क्योंकि वो अंधी थी और अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, तो उन्होंने मांगा कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखना चाहती हूं। तो सबसे पहले तो उन्होंने आंखें मांग ली, दूसरा पुत्र रत्न की प्राप्ति मांग ली, तीसरा सोने के कटोरे में दूध वही पी सकता है जो सबसे धनी व्यक्ति हो, तो उसने वो सब कुछ मांग लिया। प्रिय दर्शकों, देवादिदेव महादेव पार्वती से कहते हैं कि देखिए पार्वती, संसार में यही क्रम चलता है, जिनके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो उसे मिलके रहता है और जिनके भाग्य में कुछ नहीं लिखा वो खाली के खाली रहते हैं। जैसे पीछे गरीब ब्राह्मण और उनके पुत्र और उनकी मां को जो वर दिया है वो खाली के खाली है। प्रिय दर्शकों, चकवा चकवी इस सारी घटना को देखते हैं। चकवा चकवी से कहता है, प्रिय मैंने कहा है ना कि जो हमारे नसीब में लिखा है मालिक हमें यहां भी देगा और हम सृष्टि के किसी भी कोने में चले जाएं हमें वहां भी वही मिलेगा जो हमारे नसीब में ही लिखा है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जो लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने हमारा नसीब नहीं लिखा, प्रिय दर्शकों नसीब सबका लिखा जाता है लेकिन मिलता वही है जो आपके भाग्य में होगा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य लिखे जाता है। यदि आप दान धर्म करते हैं, किसी को दान धर्म करते हैं तो आपके दान धर्म में पुण्य की प्राप्ति होती है और वही पुण्य आपको फिर से लौट के मिलता है, उसका चार गुना आपको दिया जाता है। इसीलिए दान पुण्य अवश्य करें। यदि आप इस जन्म में दुख पा रहे हैं तो अगले जन्म का सुख का रास्ता आप बनाएं। इसलिए दान धर्म अवश्य करें, जितना हो सके उतना पुण्य का कार्य करें, इससे आपका अगला जन्म सुधरने की आशंका होती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अच्छे से दान पुण्य करते हैं, दया धर्म दिल में रखते हैं तो हो सकता है ये जन्म भी आपका सुधर जाए, इसीलिए दान पुण्य अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। जी नमस्कार, धन्यवाद।